में फिर फंस गए हैं, जाम लग गया यहाँ भी, आगे भी और पीछे भी बहुत लोग। हम लोगों के साथ क्या बताएं, ट्रेजेडी हो गया। पीछे आते जा, पीछे आते जा सब हमार। आवा आवा सबको, हम लोग बाहर धनियावा के रोड पर निकलवा रहे हैं गाड़ी। ये देखिए सब कोई आगे भाग चुके हैं। ये हम लोग का गली है, देखिए कुछ इस तरह का सजावट है। और यहाँ पे हम लोग का जो दुआ। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया हो, अगर मैं ही बढ़िया हूँ। और आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा मेरा पटना का दशहरा ब्लॉग। तो आप लोग पसंद अगर देख नहीं, जिन्होंने देखा है, मैं आई बटन में लिंक डालूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कीजिएगा। और सोच रहे हूँ सुबह सुबह, एक्चुअली आप लोग पटना का दशहरा तो बहुत इन्जॉय किया, बट अब हम जा रहे हैं अपने गाँव, यानी गाँव। तो चलिए आप लोग अपने गाँव का दशहरा इन्जॉय करवाते हैं। आज भी मूर्ति बैठा हुआ है बिकॉज कल हम लोग का गाँव में विसर्जन होता है, इस कारण से आज मेला लगता है। सभी हम लोग निकल रहे हैं और शाम तक रिटर्न आ जाएंगे, बट स्टिल अभी दिन है तो चलते हैं। दोस्त लोगों के साथ सब आ रहा है, दोस्त लोग आ रहा है और आके बाद फिर हम निकले अपने गांव से और बताते हैं मेरा गांव कहाँ है। थोड़ा सरप्राइज रहेगा तो मज़ा आएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोगों को रास्ता भी इंजॉय कराए चलते, फिर मिलते डायरेक्ट चुके हैं अब। और डायरेक्ट अब मिलेंगे आप लोगों को हाईवे पे। तो हम लोग के साथ 3 बाइक है और 2-8 6 लोग हैं। तो जहाँ चल रहे हैं आप लोग धीरे धीरे बढ़ाए चलेंगे, हर चीज़ अपडेट करते चलेंगे, कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं, कहाँ रहे हैं। तो डायरेक्ट चलिए आप मिलते हैं हाईवे पर। अभी हम लोग हाईवे पर हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये 4 लेन है, फतुआ बख्तियारपुर लेन। और यहाँ से हम लोग बख्तियारपुर तो नहीं जा रहे हैं, बट जहाँ जा रहे हैं आप लोग धीरे धीरे बढ़ाए चलेंगे। तो चलिए आप लोग 4 लेन का ही मजा लीजिए, यहाँ का सीन देखिए क्या बड़ा बड़ा जगह है। While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. आप लोगों ने आई हो बहुत एंजॉय किया होगा और आगे भी एंजॉय कीजिएगा। अभी हम लोग धनियावा पहुंच चुके हैं और धनियावा से बता देते हैं हम लोग हिलता जा रहे हैं, ठीक है। एक कट्टा रास्ता है नवादा की तरफ, एक कट जाता है जबकि किंगड़सर है। तो अभी हम लोग हिलता की ओर जा रहे हैं, हिलता मेरा गांव है। तो चलिए हम लोगों को हिलता भी घुमाते हैं पूरे अच्छे से। और वहाँ पे आज वहाँ पे मतलब मेला लगता था, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो चलिए आज पटना का तो बहुत दशहरा घूमे, आज मेरे गाँव का आप लोग दशहरा घूमिएगा। तो ठीक है चलिए मिलते हैं डायरेक्ट। निकल चुके हैं और ये देखिए ऊपर में गेट बना हुआ है धनियावा का, जिससे लेफ्ट में निकल जाता है आपका नवादा साइड, नवादा राजगीर, और राइट से आपका हिलता चला जाएगा। तो हम लोग राइट लेंगे यहाँ से, देन चलिए मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में, ठीक है बाय। पहुँच चुके हैं, एक्चुअली मैं हम लोग रोड रोड नहीं जा रहे हैं, अंदर ले लिए रास्ता, क्योंकि थोड़ा सा धनियावा में एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से रोड बंद कर दिया। तो इसलिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं धनियावा के अंदर गाँव में। तो अंदर गाँव पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं डायरेक्ट निकलेंगे सिकड़िया वहाँ बाजार। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा एडवेंचर कर ले। यहाँ पे भी बहुत ही मजा आ रहा है, ये देखिए दूर दूर तक बस खेत खेत है, इधर भी पूरा खेत है। और रास्ता का नाम ही नहीं है, देखिए रास्ता है जो कि एडवेंचर रास्ता है, ऊपर कावर ऊपर कावर। तो चलिए हम लोग फिर अपने अंदर के पथरियों पथरियों को हिला ले हिला ले उसको भी, फिर आप लोग से मिलते हैं। पथरियों में फिर फंस गए हैं, जाम लग गया यहाँ भी आगे भी और पीछे भी, बहुत लोग ऐसे धीरे धीरे पड़ रहे हैं। और देखिए जब तक वो ऑटो वाला बैग नहीं लेगा तब तक हम लोग निकल नहीं पाएंगे, तो हम लोग निकलने की संघर्ष में हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद फिर डायरेक्ट हाईवे पे आप लोगों को पहुँच के मिलते हैं। तो हम लोगों के साथ क्या बताएं, ट्रेजेडी हो गया। पीछे आते जा, पीछे आते जा सब हमार। आवा आवा सबको, हम लोग बाहर धनियावा के रोड पर निकलवा रहे हैं गाड़ी। ये देखिए सब कोई आगे भाग गए हमको छोड़ के, हम ही गाड़ी निकलवाने वाले हैं, हमको तो छोड़ दिए हैं। मेरा गूगल, आज गूगल बहुत काम किया है भाई गाँव के अंदर से, बट ठीक है ये भी एडवेंचर है क्या। हाँ हिलता जाइबो जी, चला चला हम लोग गाँव में हिलता। ये देखिए भैंसिया, सत्या मजा आया, मजा आ रहा है। ये देखिए हमको एक्सप्लोर डांसिंग का बात याद आ गया, ये देखिए भैंसिया रोड पे चल रही है। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रोड पे निकल जाएंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट रोड पे ही निकलते हैं, वो सामने फैक्ट्री वगैरह दिख रहा है, ये देखिए वही रोड है सी। और यहाँ पे दो अनमोल रतन रास्ता बहुत लाते हुए, मजा आया भाई। ठीक है, और ये कार वाले उल्टा जा रहे थे, लगता है जाने
जंप करवा दिया। लगभग निकल गए हम लोग, तो चलिए चलते हैं हाईवे पे ही मिलते हैं। के अंदर में है, मतलब मार्केट में है। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को हिलसा भ्रमण करवाते हैं। और ये यहाँ का सबसे बड़ा मूर्ति है महाकाली, काली मंदिर है ये, देखिए सामने। तो चलिए, लगता है कि यहाँ पे आज विसर्जन है क्या? आज विसर्जन है यार। अच्छा, यहाँ आज काली माँ विसर्जन होगी और बाकी मूर्ति कल होगा विसर्जन। तो यहाँ से काली माँ देखिए रेडी टू स्टिल विसर्जन होने के लिए। यहाँ से काली माँ उतरेंगी और इसी पे चले के जाएंगे विसर्जन होने। ये देखिए सामने अंदर मंदिर और ये बाजार हिलसा का, इसे बरूनतर कहा जाता है। अभी हम लोग बरूनतर है और अभी चलिए, अभी हम लोग अपने मोहल्ले में चलेंगे और सच मोहल्ले चल के मिलते हैं फिर कुछ। ये हम लोग का गली है देखिए, कुछ इस तरह का सजावट है। और यहाँ पे हम लोग का जो मतलब कहते हैं द्वार पे जो मूर्ति बैठती है उससे कई पूरा सजावट है। सो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने मोहल्ले में और खासकर इसी के लिए हम आए थे, हिलसा हर साल आते हैं। और ये देखिए साइड साइड पूरा ज्वेलरी शॉप है पूरा, यही पंदर लगाते हैं गाड़ी। मोहल्ला का मूर्ति है, दस देवी दर्शन या काली माँ है, बस इन्हीं की इन्हीं के दर्शन करने आया है। उसे चलिए और बाहर में चल के आप लोग को और मूर्ति घुमाते हैं। हम लोग हिलसा के बहुत ही मेन जगह मंदिर के पास है और ये देखिए हमारे सबमूत्र लोग और चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं। पहले बाहर से आप लोग को दुख दुख दिखाते हैं मंदिर का, फिर अंदर चलते हैं, फिर अंदर से मिलाते हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये हिलसा का सबसे बड़ा मंदिर है, देख सकते हैं जैसा कि इसको महादेव स्थान कहते हैं। ये देखिए ये तालाब है, बीच में ये मंदिर बना हुआ है। तो चलिए पूरा घुमाते हैं, आप लोग घूमिए पूरे मंदिर का एंजॉय कीजिए। ये पूरा मिठाई की दुकान जगमगाता हुआ, पूरा दशहरा में जगमगा, एकदम मेला लगे तब खा के जाता है। जा रहे हैं अभी हेलमेट वगैरह लेने घर से, और हेलमेट लेके अब हिलसा घूम लिए हैं, अब निकलेंगे यहाँ से पटना की ओर टुवर्ड्स पटना। सो ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा इन्जॉय कीजिए हिलसा के मार्केट को, तब तक मैं ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। हिलसा के थाना वाले गली में है और ये दुर्गा स्थान है। ये देखिए दुर्गा स्थान का सजावट, और चलिए यहाँ का भी आपको दुर्गा स्थान का मूर्ति दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। और ये देखिए ये दुर्गा स्थान है, दुर्गा स्थान देखिए, रुक 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 रुक
ये देखिए, ये दुर्गा सर का मूर्ति है पूरा एकदम। तो बस यही मूर्ति दिखाया था, अब चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का ही मूर्ति आप लोगों को दिखाएंगे, बाहर में मतलब रोड पे का कैसा कैसा मूर्ति है कैसा नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ से कहाँ गया, तो गाय बात ऐसा है कि एक्चुअली हम लोग इंस्टा से निकले थे बट इसी मेरे फोन का बैटरी डाउन हो गया था, तो दैट्स वाई ब्लॉक नहीं कर पाया। तो चलो ठीक है, घर पहुँच गए हैं अब और फ़ोन चार्ज में लगाया, जस्ट पहुँचे फ़ोन चार्ज में लगाया था, चार्ज किया तो ब्लॉग एडिट करना था, एडिट कर रहे हैं ब्लॉग, लास्ट पार्ट शूट करके डालना ही था भाई, एडिट कर रहे हैं और बाकी सब अच्छे से हुआ, मज़ेदार दम मज़ेदार हिलसा का ब्लॉग आया है, आप लोग पूरा देखिएगा, हिलसा का दशहरा, हिलसा का मूर्ति जी, और बाकी सब ठीक है, जॉयफुल है, आप लोग भी ग्रेट रहिएगा। चलिए अच्छा लगा हो तो पता नहीं क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है फिर जाना है, ठीक है ना, पूरा ब्लॉग देखिएगा, मस्त छन्नाटेदार ब्लॉग है, ठीक है, पूरा ब्लॉग देख के जाइएगा, बिना देखे मत जाइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना। सो मिलते हैं कल।